यश राजपूत, कहाँ से यश? मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से हूँ। ओके, और नागपुर साइड रहता हूँ। क्या बात है। कौन सी ईयर के स्टूडेंट हैं? मैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में, मतलब दो साल पूरे कंप्लीट हो गए। थर्ड ईयर आपका, सेकंड सेमेस्टर? सेकंड सेमेस्टर अभी। यस, यानी ऑलमोस्ट तीन साल हो चुके हैं। तो फोर्थ ईयर में आप जाने वाले हैं। वी वेयर अप्रोक्सीमेटली ऑन 11 अप्रैल वी हैव अ आईपीओ। ओके ओके, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है यश आपका, मतलब पढ़ाई को लेकर? क्योंकि देखिए आपने तीन साल निकाल दिए हैं। अभी हमने जिन स्टूडेंट से बात करी वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो उनके पास तो सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस है, आपके पास 3 साल का है। तो कैसा है ओवरऑल अगर आप बनाओगे, पढ़ाई, रहना और खाना? पढ़ाई, पहले पढ़ाई के बारे में, जैसे आपने पूछा होगा सबको, एजुकेशन एज कम्पेयर टू इंडिया थोड़ा सा लेवल के हिसाब से भी थोड़ा हाई चला जाता है कभी कभी, जैसे आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हो। यस, तो सेकंड थर्ड ईयर तक आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं होती है, आपको बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेम एंड ऑल। और फिर आप अगर आपके थर्ड ईयर के बाद आपकी मेन क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, जिसमें आपको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। पहले तो हॉस्पिटल से पहले आपको होती है डमीज के ऊपर प्रैक्टिस, और फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में फिर साइकिल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, टाइम पीरियड वगैरह बढ़ जाता है, तो पेशेंट से मिलने को मिलता है फिर। हाँ, मतलब थर्ड ईयर में बेसिक इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है पेशेंट के साथ। ओके, मेन थोड़ा सा कभी कभी लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो थर्ड ईयर तक इतनी रशियन आ जाती है कि फिर हम फोर्थ ईयर से बेसिक कम्युनिकेशन कर पाए। बिल्कुल, कोई पेशेंट है या नहीं। ओके, हम हॉस्टल में है, रूम पे है, तो आप भी, आप 3 साल से हॉस्टल में ही रहे? हाँ, मैं 3 साल से हॉस्टल में। अच्छा, कभी कोई ऐसी दिक्कत आई 3 साल में कि मन ऐसा हुआ कि नहीं हॉस्टल चेंज कर दे और ना रहे हम कहीं बाहर रहे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। हॉस्टल में कैसा कि डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। हॉस्टल में कैसे कि सीनियर्स भी होते हैं, रूम्स में रहना और डिसिप्लिन, बच्चों को लगता है कि अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं ना, थोड़ा सा कोई बड़ा है साथ में, फिर छोटे भी आ रहे हैं, तो हर चीज एक डेकोरम जो है वो मेंटेन रहता है हॉस्टल में। राइट, खाने का भी कैंटीन जो है किस तरह अवेलेबल है आपके? कैंटीन है जिसके अंदर वैरायटीज ऑफ फूड अवेलेबल मिल जाता है, अगर हम चाहे तो मेनू चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर जब भी चाहे, अगर अब 200-300 स्टूडेंट्स कंटिन्यू एक साथ खाना खाते हैं, कभी कभी होता है कि 5-6 जनों को या सब खुश नहीं रहते, मैक्सिमम को खाना पसंद आ जाता है, क्योंकि अगर आप 600 स्टूडेंट हैं अगर इंडियन हाउस पे 5-6 को नहीं पसंद आ रहा, तो थोड़ा सा आ जाता है, पर बाकी तो मैक्सिमम चीजें तो पसंद आ जाती है। आप ऑलरेडी 3 साल से हैं, तो आपके पास कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी शायद, क्योंकि मैंने सुना यहाँ पे कि बहुत ऐसी आप लोग की कमिटी बना रखी है स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए, तो वो किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास? मेरे पास पासपोर्ट डिपार्टमेंट आता है, वीजा डिपार्टमेंट। ओके, और एज अ फ्लोर कैप्टन भी, एज अ इंचार्ज। वेरी गुड, तो इट्स वेरी नाइस इनिशिएटिव एक्चुअली, बीइंग इन द, मतलब हॉस्टल लाइफ, इट्स नॉट लाइक अ जॉब, इट्स बीन एन रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच फर्दर कैन बी, यस यस, कैन बी टेकन। सी देखिए, जब स्टूडेंट अपने घर पे रहते हैं और कॉलेज जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के अंदर अलग टाइप की स्किल्स होती है और अलग एक्सपीरियंस होता है, पेरेंट्स के साथ होते हैं, आज कहीं जाना है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, इमीडिएटली हमें एक अमाउंट मिल जाता है, स्पेंड करते हैं, पर यहाँ रह के बजटिंग, यहाँ पे बजटिंग बहुत अच्छी चीज सिखाई जाती है। बिल्कुल, तो एक बजटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके साथ साथ में जो स्किल्स जैसे आप, हाँ, जो आप कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और आपकी स्किल्स, लीडरशिप, वो सब भी बढ़ती है। हाँ, मेन मतलब इंटरनेशनली कैसे डील किया जा सकता है, जैसे पासपोर्ट का, इमिग्रेशन और ये सब, ये भी एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देता है। ओके, तो आप यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका आप कोऑर्डिनेट करते हैं, वीजा रिन्यूअल, दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोजी एम्बियंस मिल गया है रहने के लिए और सारी चीजें, बल्कि इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपस में मिलकर एक कम्युनिटी बनाकर, उसके बीच में एक फ्लोर कैप्टन, उसके बाद में कोऑर्डिनेटर्स, कि अगर वीजा रिन्यूअल है तो एक कोऑर्डिनेटर है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई कोऑर्डिनेटर है, तो दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही, अगर मैं बोलूं कि पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी इन, मैं इसको अगर हर पैरामीटर पे देखूं तो बहुत ही एक हाई लेवल की ग्रेडिंग जो है मैं दूंगी, चाहे वो एजुकेशन हो, एकोमोडेशन हो और फूड हो, राइट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। यस, पता चला अभी कि आप लोग के स्पोर्ट्स भी अभी होने वाले हैं, कंटिन्यू होने वाले हैं, तो अब ये इंटर कॉलेज भी करते हैं आप लोग कॉम्पिटिशन? हाँ, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, फिर वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि उसने कुछ किया होगा, तो मतलब अब डायरेक्टली स्टूडेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, कि उन्हें बोलना चाहिए हाँ मैंने स्टेट तक खेला हूँ, फिर मैं आगे जाकर खेलना चाहता हूँ। जैसे एक दीदी है थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, मेरी सीनियर, वो कराटे,
कुंफू जूडो उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया है केंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी को. ओके तो दैट्स अ गुड थिंग. मतलब आप इंटरनेशनल यहां आकर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, क्रिकेट मैच होती है स्टूडेंट के बीच में टूर्नामेंट. बिल्कुल बिल्कुल. और अभी हॉकी की संडे को ये है, तो मतलब एक बड़ा अच्छा इंटरनेशनल आप लोगों का एक्सपोजर मिल जाता है, एक्सपोजर मिल जाता है. तो इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करी, बहुत सारा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.